Assalamu alaikum viewers, today in this video I am gonna tell you the secret of counting that many of the people don't know about. That why do we call it 4, why do we call it 5, why do we call it 7, hum isko 8 kyun nahi kehte? So guys, to understand the secret of counting, first of all we will have to understand that what is an angle. When two lines or rays meet on one point, an angle is formed. So guys, जब लिखने वाले ने 1 लिखना चाहा तो उसने इस तरह एक एंगल बनाया एंड यू कैन इजीली फाइंड 1 एंगल इन दिस. लिहाजा आगे जाकर 1 इस तरह लिखा जाने लगा. और इसी तरह जब 2 बनाना चाहा तो उसने 2 एंगल बना दिए लाइक दिस एंड यू कैन इजीली सी 1 एंगल इज हियर एंड 1 एंगल इज देयर. और इस तरह ये 2 इस तरह लिखा जाने लगा. फिर आई 3 की बारी. जब 3 लिखना चाहा तो उसने 3 एंगल बना दिए लाइक दिस 1 2 3, 3 एंगल्स. आगे जाके ये 3 इस तरह लिखा जाने लगा. और इसके बाद है 4 की बारी, तो उसने 4 एंगल्स बना दिए लाइक दिस 1 2 3 4. और ये 4 इस तरह लिखा जाने लगा. फिर आई 5 की बारी, तो उसने 5 एंगल्स बना दिए लाइक दिस 1 2 3 4 5. और इस तरह ये 5 इस तरह लिखा जाने लगा. फिर आई 6 की बारी, और उसने 6 एंगल बना दिए लाइक दिस 1 2 3 4 5 6. और इस तरह ये 6 इस तरह लिखा जाने लगा. 6 के बाद आई 7 की बारी, तो उसने 7 एंगल्स बना दिए लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7. तो ये 7 इस तरह लिखा जाने लगा. और अब बारी है 8 की, तो उसने 8 एंगल बना दिए लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8. और आगे जाके 8 इस तरह लिखा जाने लगा. फिर बारी आई 9 की, तो उसने 9 एंगल बना दिए लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और इसलिए ये 9 इस तरह लिखे जाने लगा. और अब बारी है 0 की, एंड 0 मीन्स नथिंग, यानी कुछ भी नहीं. इसलिए 0 में एक भी एंगल नहीं होता और इसे इस तरह लिखा जाता है. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव. लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल.